हाय गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। हाल ही में आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी कि आखिर नीट के एग्जाम डेट को लेके बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस बताई जा रही है। कभी बताया जा रहा है मई में होने वाला है, कभी बताया जा रहा है जून में होने वाला है। तो हाल ही में अभी एक बहुत अमेजिंग सा आर्टिकल रिलीज हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिन्होंने बताया था कि द एकेडमिक कैलेंडर विल बी गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स इन एडवांस, जो कि जेई का एग्जाम भी देना चाह रहे हैं, जो नीट भी देना चाह रहे हैं, सीयूईटी भी देना चाह रहे हैं, उनके लिए एकेडमिक कैलेंडर जो है सरकार आपको दे देगी। तो इस कैलेंडर से क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि इस महीने में मेरा ये वाला एग्जाम है, तो आप पहले से उसकी प्रिपरेशन भी कर लेंगे और आपका दिमाग कहीं ना कहीं बिल्कुल स्थिर रहेगा। बट फिर आई अभी एक और न्यूज, जैसे कि हाल ही में आप देख सकते हैं, न्यूज आपको बहुत ही अच्छे से दिख रही होगी कि एनएमसीज एमबीबीएस कैलेंडर हिंट्स एट अ डिलेड नीट यूजी एग्जाम। तो यानी कि जो कैलेंडर बना है नीट यूजी एग्जाम के लिए, वो बता रहा है कि ये जो एग्जाम है या तो वो लास्ट वीक ऑफ जून में हो सकता है, लास्ट वीक ऑफ जून में हो सकता है, या फिर एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। बट किसी चीज की श्योरिटी नहीं है। बट बच्चों, मैं आपको इसी के साथ एक और सच्चाई बता देना चाहती हूँ कि यही जो आर्टिकल है, इसी साइट पे, टाइम्स नाउ की साइट पे एक और आर्टिकल आया जिसपे लिखा हुआ है सीबीएसई डेट शीट 2023 इज लाइव, क्लास 10th एंड बोर्ड एग्जाम 23 डेट शीट लाइकली टुडे गोज ऑन दिस साइट। और इसके हिसाब से जो कैलेंडर होता है सीबीएसई का, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे वो प्री कोविड टाइम्स में चलता था। तो मैं आपसे यही कहूंगी बच्चों कि जब सीबीएसई का एग्जाम ऑन टाइम हो रहा है, तो नीट का एग्जाम भी ऑन टाइम हो सकता है। तो ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दिस कि जो एक कैलेंडर का अभी आया कि एग्जाम लेट हो सकता है, आप शायद आज ढीले पड़ जाएंगे अपनी प्रिपरेशन को लेके। शायद आप सोचेंगे और मुझे एक महीना मिल गया, चलिए मैं और आराम से अपनी प्रिपरेशन कर लूँ। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ बच्चों, हमेशा हर साल जो मैंने देखा है वो सीबीएसई के विद इन 2 मंथ्स, अगर मार्च में हमारा बोर्ड एग्जाम है तो विद इन 1.5 मंथ हमारा नीट का एग्जाम हो जाता है। और यही चीज इस साल आप सीबीएसई में देख सकते हैं कि जनवरी से बच्चों की डेट शीट आ जाएगी, प्रैक्टिकल्स होने शुरू हो जाएंगे और फेब लास्ट में उनके एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। तो माना कि यही साइट कह रही है डिले भी हो सकता है, बट यही साइट ये भी बता रही है कि सीबीएसई की जो डेट शीट है वो ऑन टाइम है। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि अपनी प्रिपरेशंस को बिल्कुल ढीला ना छोड़े, ये नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, मैं आपको टाइमली बताती भी रहूंगी। बट एक चीज मैं आपको हमेशा कहूंगी, जब बाकी एग्जाम्स ऑन टाइम हो रहे हैं, चाहे वो जेई का हो या सीबीएसई का हो, तो नीट ऐसा कौन सा खास एग्जाम है जो एनटी ऑन टाइम नहीं लेगी, मेरा मेरा ये मानना है। बट अगर डिले हो जाता है तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज होगी, हमें और टाइम मिलेगा, और ज्यादा हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा हम असर्शन रीजन लगाएंगे। जितना भी हमें एक्स्ट्रा टाइम अगर मिलता है तो हम अपने 100 क्या, हम अपने 500% लगाएंगे और इसी साल नीट का सिलेक्शन लेके जाएंगे। परंतु अगर एग्जाम मई में भी होता है तब भी हम उतनी ही मेहनत करेंगे, उतने ही एफर्ट्स लगाएंगे, उतना ही क्रैश कोर्स करेंगे जो आपको नीट के सिलेक्शन की गारंटी दे सकता है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। इसी के साथ बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो बच्चे मेरे साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्री स्पेशल क्लासेस पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, उससे आप जरूर ज्वाइन करें। कल सुबह 11:30 बजे मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रैक्टिस कराऊंगी, उसे जरूर जरूर ज्वाइन करें। हर टाइप का क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, मैच द फॉलोइंग हो गए, असर्शन रीजन हो गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, हर तरीके के। ये वो क्वेश्चन है जो हर कोई एमटीजी से ले रहा है, यहां से ले रहा है, नहीं, हमने स्पेशली क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है, न्यूली एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड है। इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत मजा आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अगर आप इन चैप्टर्स को मेरे साथ रिवाइज करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे माइंड मैप्स की सीरीज चल रही है, बच्चों ने बहुत प्यार दिया इस सीरीज को, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं कल 6:30 बजे। आज ही मैंने एक सेशन लिया है, कल भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेरे साथ फ्री में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, चाहे एग्जाम मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, ये मेरे बच्चों का हाथ, ये गरिमा मैम का हाथ, हर साल ये बॉन्ड ऐसा ही रहा है, इस साल भी ये बॉन्ड ऐसा ही रहेगा। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, माना कि लोग कहेंगे कि एग्जाम लेट होगा, बट मैं अपने बच्चों से जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं यही कहूंगी अपने दिमाग में मई के हिसाब से ही तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये सब होता रहेगा।
ये एक बवंडर है, आप कभी भी फंस सकते हैं, आपको फंसने का नहीं मेरे बच्चों, आपको इससे बाहर निकलना है। और वही बच्चा चैंपियन बनता है जो हर सिचुएशन में भी, हर कठिनाई में भी अपने आप को क्या करता है, साबित करता है। आप लोहा है, तपना पड़ेगा और हीरा आप बन के रहेंगे, इसकी गारंटी है। बस इस चीज को अपने दिमाग में लेकर चलना है, ठीक है। इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ आपको, जरूर मैं आपसे मिलना चाहूंगी अपनी स्पेशल क्लासेस में, अपने यूट्यूब के YT क्रैश कोर्स में। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहे, आपकी फेवरेट जी स्क्वायर। थैंक यू बच्चों।